हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे ही रहिए। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है थेपले की रेसिपी। तो थेपला आपने बहुत खाया होगा, कई तरीके से खाया होगा और कई चीज़ों के साथ खाया होगा। बट फ्रेंड्स, आज हम जिस तरीके से थेपले बनाने वाले हैं वो एकदम न्यू और यूनिक तरीके से है। तो आप इसको बना के खाएंगे तो चाउमीन, डोसा, बर्गर सब खाना भूल जाएंगे। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है ताकि इसका तीखापन बढ़िया रहे, और आप चाहें तो ज़्यादा और भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं 1 प्याज। तो मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको हमने बारीक कट कर लिया था, तो इसको भी हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा ही फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो अब हमें क्या करना है, शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से पकाना है। तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने से क्या होगा दोस्तों, वो जल्दी से पक जाता है, यानी कि जो हमारी प्याज है वो एकदम ट्रांसपेरेंट सी होने लगती है। तो उतना ही हमें इसको करना है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है दोस्तों। बस हमारी जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझ लीजिए ये परफेक्ट हो चुकी है। तो लीजिए, प्याज हो गई है ट्रांसपेरेंट। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। तो इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, और अगर आप इसमें चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं सभी को आप बारीक कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे टमाटर भी पक गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून के समथिंग इसमें डालेंगे हम टमेटो सॉस, और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। टमाटो सॉस सभी को बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, इसको हम कर देते हैं मिक्स। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए पनीर के टुकड़े, और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच ओरिगानो, चिली फ्लेक्स। तो चलिए, इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और अब हम इसको करते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स, आपको देख के लग रहा होगा कि ये बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है देखने में, और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स ही मिले हैं और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। तो चलिए, चलते हैं अपने डो की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में स्ट्रेनर रखा है, उसमें मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। तो इसी कप के हेल्प से हम इसमें बेसन डालेंगे। तो 1 कप आटा, तो 1/2 कप हमने इसमें डाला है बेसन। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसका जो एक्स्ट्रा कचरा है वो निकल के अलग हो जाएगा। तो लीजिए, इतना कचरा हमारा अलग हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे दही, और अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। तो हींग को मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं डाल दें अजवाइन को थोड़ा सा मसल के, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और अब हम इसको कर देंगे मिक्स, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो आटे में अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाएँ। फिर इसके बाद हम इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। तो हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसका डो हमें कैसा बनाना है, जिस तरीके से हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना फ्रेंड्स, उस तरीके से हमें इसका टाइट डो बनाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन हाँ, इसका हमें टाइट डो बनाना है। तो लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो बना के रखते हैं। तो लीजिए, हमारा डो बन के हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर भी बढ़िया आ जाता है और ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, हमें ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, 5 मिनट हो गए हैं, हमारा डो भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना, थोड़ा सा इसको मसलेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और जो हमारी थेपले बने वो भी एकदम लजीज और सॉफ्ट बनने चाहिए। तो लीजिए, इसको हमने मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से इसको लंबाई में शेप देंगे ताकि हम इसके बराबर बराबर टुकड़े कर सकें।
तो लीजिए एक कपाटे में हमने यहाँ पे 5 थेपले बनाने के लिए रेडी किए हैं। तो चलिए इसको हम गोल गोल करते हैं और दबाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पतला पतला बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका डो थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें या तो थोड़ा सा आटे की डस्टिंग कर लें या हल्का सा ऑयल लगा लें, तो इसका पतला पतला हमारा थेपला बन के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए थेपला बन चुका है और आप खुद देख रहे होंगे ये कितना पतला है। तो इसी तरीके से हमें सारे थेपले बेल के रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने पैन रखा है, पैन में मैंने लगा दिया है हल्का सा बटर। हमें बहुत ज़्यादा बटर या पराठे की तरह थेपले को नहीं रेडी करना है, हल्का सा बटर लगाएंगे। और अब हम इसमें क्या करेंगे, थेपले को रख देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको हम दोनों तरफ सेकेंगे। तो एक साइड हमने पलटा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला की हेल्प से इसको दबाते हुए दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, तो मैंने दोनों तरफ इसको दबा दबा के इसको अच्छे से सेका है। तो लीजिए हमारा थेपला रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे थेपलों को सेक कर रेडी करना है। तो लीजिए आप देख रहेंगे कि थेपले हमारे सिकते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको फाड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको तोड़ा तो कितनी आसानी से और कितने सॉफ्ट तरीके से ही ये टूट गया है, आपको देखने में ही लग रहा होगा। तो अब मैंने क्या किया है, थेपले के 2 टुकड़े किए हैं और दोनों टुकड़ों में मैंने मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड किया है और जो हमारी स्टफिंग थी उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी वीडियो मिस हो गई है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो दोनों में अच्छे से चीज़ लगा देंगे और अब हम इसको पलट देंगे, मतलब इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो लीजिए फोल्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो थेपले को हमने फोल्ड किया है उसको चारों तरफ हम चीज़ से डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट के साथ साथ इसका टेस्ट भी आता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से इसको डेकोरेट, आप चाहें तो पूरे में डेकोरेट कर दें, मैंने तो साइड साइड में लगाया है क्योंकि हमने अंदर अच्छे से इसको डाल दिया है। तो पैन मैंने लिया, पैन को मैंने पहले से ही प्री हीट के लिए मीडियम फ्लेम में रख दिया था ताकि जो हमारा चीज़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और हमारा थेपले जले नहीं। तो चलिए इसमें हम दोनों थेपले के पार्ट को इसमें हम रख देते हैं और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम ही रहेगी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें लीड को ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, इसके अंदर हीट जल्दी बनेगी और हमारा जो चीज़ है वो एकदम पक के रेडी हो जाएगा। तो लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं देख रही हूँ, तो आपको भी देखने से लग रहा है कि हमारा चीज़ एकदम मेल्ट हो गया है और अंदर का भी ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो मैं यहाँ छू के देखती हूँ। तो लीजिए हो चुका है रेडी और हमारे चीज़ी क्रीमी थेपले बनके हो चुके हैं रेडी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ 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 जिस हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी उसी हिसाब से आपको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा।